वो इसलिए टीचर ने मुझे आज टेस्ट दिया था, मैं मुझे याद ही नहीं था। अरे जैनब तुम्हें पता तो है घर के काम ही नहीं खत्म होते, मुझे काम कही जाते हैं कही जाते हैं कही जाते हैं, और तुम बैठी होती है आराम से, तुम्हें तो कहते हैं नहीं मुझे ही कही जाते हैं। मगर भाई तो फिर अच्छी बात नहीं है, हमें सीधा घर जाना चाहिए। वाओ गुलाब के फूल, पहले तो हम मॉल से पैसे दे के लेते थे गुलाब के फूल, अब तो यहाँ पे पौधों में लगे हुए कितने प्यारे हैं। ऐसे करती हूँ इनको तोड़ लेती हूँ। नहीं नहीं इतने प्यारे लग रहे हैं, फिर इनकी तो खूबसूरती चली जाएगी, नहीं तोड़ती ऐसे सजे रहने देती हूँ, इतने प्यारे हैं। माँ इधर भी मैंने नहीं खेलना, आप खेले मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। बेटा बिना पूछे आप क्यों आए, क्यों मायदा? पहले तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो आज क्यों हुआ ऐसा? वो पापा मैं बताती हूँ पापा। शुक्र है टीचर से आज डांट पढ़ते पढ़ते बची। क्यों जाना वैसे? वो इसलिए टीचर ने मुझे आज टेस्ट दिया था, मैं मुझे याद ही नहीं था। तो टेस्ट याद करती, इसमें टीचर का कसूर नहीं, इसमें आपका कसूर है जाना। चले चले इससे पहले टीचर को याद ना आ जाए, मुझे वाद दे देंगे फिर। जल्दी चलो, जी भी है जल्दी चले माई दे जल्दी। जैनब रुको, चले पार्क में खेलने। पार्क में? पहले घर जाके बुक तो रख देना, फिर हम आ जाएंगे मम्मा पापा से पूछ के पार्क में। अरे जैनब तुम्हें पता तो है घर के काम ही नहीं खत्म होते, मुझे काम कही जाते हैं कही जाते हैं कही जाते हैं, और तुम बैठी होती है आराम से, तुम्हें तो कहते हैं नहीं मुझे ही कही जाते हैं। माई दफी अगर आप नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा, माँ बाप की तो हेल्प हमें करनी होती है। जैनब मुझे पता है मैंने हेल्प करनी और किसने करनी है। फिर आप ऐसा क्यों कह रही, चले ना मेरे साथ घर। जैनब मैं तो चली जाऊंगी, सिर्फ 2 मिनट के लिए खेलते हैं। चले फिर अगर आप जिद कर रही है। चलो एक मिनट, अगर पापा ने देख लिया फिर? पापा नहीं आएंगे, पापा घर पे मामा के साथ काम करा रहे होंगे, फिर मैं जाऊंगी, फिर मैंने भी काम कराना है। मायदा भी आपको पता ही है, फिर अगर पापा ने हमें पार्क में देख लिया ना हमारी पिटाई कर देंगे। अरे जाना पिटाई नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा डांटेंगे फिर उसके बाद ठीक हो जाएंगे। मगर मायदा भी अच्छी बात नहीं है, हमें सीधा घर जाना चाहिए। तुम डरती रहना, मैं तो जा रही हूँ पार्क में। मायदा भी रुके फिर, ऐसे तो मम्मा पापा का हमसे इस बार उठ जाएगा। मैं तो समझी तुम चलोगी मेरे साथ पार्क, मगर तुम्हें तो एतबार की पड़ी हुई है। माई दी रुके, ऐसा ना करें, अगर पापा ने देख लिया पापा मारेंगे। माई दी तो चली गई, ये ना पापा मुझे डांटे। तुम अकेले कहाँ से आ रही हो, मैं भी माई दी साथ चली जाती। वाओ गुलाब के फूल, पहले तो हम मॉल से पैसे दे के लेते थे गुलाब के फूल, अब तो यहाँ पे पौधों में लगे हुए कितने प्यारे हैं। ऐसे करती हूँ इनको तोड़ लेती हूँ। नहीं नहीं इतने प्यारे लग रहे हैं, फिर इनकी तो खूबसूरती चली जाएगी, नहीं तोड़ती ऐसे सजे रहने देती हूँ, इतने प्यारे हैं। माई दा पी तुम्हें तो क्या करियो, तुम्हें तो घर याद आ रहा था, घर जाओ, चलो जाओ घर। वो माई दा पी मैं सोच रही थी अगर मैं अकेली घर जाती तब भी मुझे डांट पड़नी थी। चलो फिर खेलना तुम्हें या नहीं खेलना, अगर खेलना तो चलो। माई दी मैंने नहीं खेलना, आप खेले मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। ठीक है मैं जा रही हूँ खेलना, तुम इधर ही खड़ी रहो। बच्चे आए नहीं, खैरियत हो, इतनी लेट कभी हुए नहीं, देख के आता हूँ कहाँ रह गए बच्चे, क्यों लेट हो गए इतना। यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? ट्यूशन ही जाके देखता हूँ, ट्यूशन ना हो तो ट्यूशन वाले लेट ना छुट्टी दी हो। ओए गिरने लगी थी, अब इधर नीचे मारूंगी। अच्छा ये पार्क में झूले ले रहे हैं, सीधा घर नहीं है, इनको झूलोगे पड़ी, इनकी तो मैं खबर लेता हूँ, ये कब से इन्होंने ऐसा काम करना शुरू कर दिया। कितने प्यारे फूल हैं ये। अच्छा जैनब बैठी हुई तो ये मायदा खुद झूले ले रही। हाँ बात सुनो जैनब, इधर आओ इधर आओ। ओ पापा, पापा आ गए, अब तो हम लोग मारे गए।
और मायदा इधर आओ आप भी। ओए पापा आ गए, अब तो मैं मारी जाऊंगी, मार पड़ेगी या फिर डांट जो भी पड़ेगा पड़ेगी तो सही ना। जी पापा। बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे पार्क में? वो पापा ट्यूशन से छुट्टी हुई थी तो हम पार्क में खेलने आ गए। बेटा बिना पूछे आप क्यों आए? क्यों मायदा, पहले तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, तो आज क्यों हुआ ऐसा? वो पापा मैं बताती हूँ पापा, मेरी सारी गलती है, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं इनको पार्क में ले आई। पहले ये मुझे बताओ आप लोग पार्क जाते मैंने कभी मना किया? बताओ कभी मना किया? तो आज क्यों ऐसा किया? ट्यूशन से सीधा घर आते थे ना, मैं इतनी टेंशन में था, मैं क्यों अभी तक नहीं आई ये लोग? सॉरी पापा, नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं होएगा। ओके नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा ना हो, समझे? हर चीज आप लोगों को खेलने के लिए मिलती है, फिर आप लोग ऐसा करते हो। पापा एक बार गलती होगी ना आइंदा नहीं होगी। ठीक है जल्दी घर आओ, मैं जा रहा हूँ अब। ठीक है लास्ट वार्निंग है, नेक्स्ट टाइम मैं कभी ना हो ऐसा। ठीक है पापा हम आ रहे हैं। जल्दी आओ घर। जैनब आपने रोजे में झूठ क्यों बोला? मायदा पे मैं पापा की लाडली हूँ ना, इसलिए मैंने अपने पे इल्जाम ले लिया ताकि आपको डांटना पड़े। थैंक यू जैनब, तुमने तो पापा का लाडलेपन का फायदा उठाया। चलो अब घर चलें। चलें।